अब बात करेंगे जनरलाइज्ड हीट कंडक्शन इक्वेशन के बारे में। इस इक्वेशन को आप 3D हीट कंडक्शन में यूज़ कर सकते हो, स्टेडी और अनस्टेडी हीट कंडक्शन में यूज़ कर सकते हो, विद और विदाउट हीट जनरेशन। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब है बॉडी में से अगर हीट जनरेट हो रही है तो भी आप इसको यूज़ करोगे इस इक्वेशन को, और अगर नहीं हो रही, इसमें से कोई भी हीट जनरेशन अगर जीरो है तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो एक ओवरऑल इक्वेशन है, जनरलाइज्ड हीट कंडक्शन इक्वेशन है, तो इसको समझते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक सॉलिड बॉडी कंसिडर कर ली, ठीक है, ये है मेरी सॉलिड बॉडी। सॉलिड बॉडी के लिए हमारे को पता है जो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम है और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर है, ये इक्वल होती हैं दोनों, और लेट से दीज आर इक्वल टू सी, ठीक है। सॉलिड बॉडी या फिर इनकम्प्रेसिबल फ्लूड्स के लिए ये इक्वल होता है, ठीक है ना। अब मैंने इस सॉलिड बॉडी में एक एलिमेंट कंसिडर करा, ठीक है, एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स, लेट से द विड्थ इज डी एक्स। सो ये मेरे अगर ओरिजिन है तो ओरिजिन से एक्स डिस्टेंस पे डी एक्स विड्थ का मैंने एक एलिमेंट कंसिडर करा और उसको उठा के मेरे मैग्नीफाई कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने कोऑर्डिनेट्स चेंज कर दिए, ये मेरा 0.0 है, ठीक है। जो एक्स डिस्टेंस है, दैट इज़ एक्स डिस्टेंस, ये डी एक्स है। जो हाइट है इस ब्लॉक की वो डी वाई है, और जो विड्थ है, विड्थ है ये लेट से डी जेड है, ठीक है। एक्स डायरेक्शन में जो लेंथ है वो डी एक्स, वाई डायरेक्शन में जो लेंथ है वो डी वाई, जेड डायरेक्शन में जो लेंथ है वो डी जेड। और ये क्या है? एक एलिमेंटल स्ट्रिप, ठीक है। अब लेट से क्यू एक्स अमाउंट ऑफ हीट इज कंडक्टेड थ्रू दिस एलिमेंट, एंड क्यू एक्स प्लस डी एक्स अमाउंट ऑफ हीट इज कमिंग आउट फ्रॉम दिस एलिमेंट, ठीक है। सो यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लेते हैं। क्यू एक्स तो इसमें इन हो रही है, क्यू एक्स प्लस डी एक्स आउट हो गई, ठीक है। ये एक्स प्लस डी एक्स इसके सफिक्स में नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। सिमिलरली वाई के लिए क्यू वाई इसमें अंदर आ रही है इस एलिमेंट के, और क्यू वाई प्लस डी वाई इस एलिमेंट के बाहर जा रही है हीट, ठीक है। सिमिलरली क्यू जेड हीट इसके अंदर आ रही है, और क्यू जेड प्लस डी जेड इससे एलिमेंट से बाहर जा रही है हीट, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हीट की, कि कितनी इनलेट है हीट और कितनी आउट है हीट, ठीक है। अब इस एलिमेंट के अंदर हम कंसिडर करते हैं कि कोई एक हीट सोर्स है। अब वो हीट सोर्स कोई भी हो सकता है, ठीक है। वो हीट सोर्स कोई भी एक वायर हो सकता है, वायर, ठीक है। इसके वायर के अंदर का जो रेजिस्टेंस होगा, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की वजह से जो हीट जनरेट होगी, ठीक है, तो उसको भी हम कंसिडर कर सकते हैं। तो इस सॉलिड बॉडी में भी कंसिडर करके चलते हैं, इसके अंदर हीट जनरेशन हो रहा है, ठीक है। और हीट कैसे कैसे जनरेट हो सकती है? हीट कैन बी जनरेटेड इनसाइड अ सॉलिड बॉडी आइदर बाय सप्लाइंग इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है, और बाय एनी एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब ये बॉडी के अंदर अगर कोई इलेक्ट्रिक वायर है, ठीक है, उसमें से करंट फ्लो हो रहा है, तो उस करंट फ्लो के करस्पोंडेंस में जो रेजिस्टेंस आएगा और उस रेजिस्टेंस से जो हीट लिबरेट होगी, ठीक है, उसको हम कह सकते हैं हीट जनरेटेड विद इन द सॉलिड बॉडी, या फिर इस बॉडी के अंदर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, कोई भी एक्जोथर्मिक केमिकल रिएक्शन हो रही है जिसमें हीट लिबरेट होगी, ठीक है, उस हीट को भी हम कंसिडर कर सकते हैं और कह देंगे उसको हीट जनरेटेड विद इन द बॉडी, ठीक है। नाउ लेट क्यू एक्स हीट कंडक्टेड इन टू द एलिमेंट अलोंग एक्स डायरेक्शन, ठीक है। तो फरियर लॉ,
फूरियर लॉ किस लिए होता है? वन डायमेंशनल हीट फ्लो के लिए, ठीक है, वन डायमेंशनल हीट फ्लो। और यहाँ पे क्या हो रहा है, क्यू एक्स क्या है, क्यू एक्स है हीट कंडक्टेड इन एक्स डायरेक्शन। तो एक डायरेक्शन मतलब एक्स डायरेक्शन पकड़ ली कि एक्स डायरेक्शन में जो हीट कंडक्ट हो रही है वो क्यू एक्स है, ठीक है। तो जो क्यू एक्स है वो वन डायरेक्शन में कंडक्ट हो रही है हीट, तो इसमें हम फूरियर लॉ लगा देंगे, ठीक है, क्यू एक्स विल बी के ए डी टी वाई डी एक्स वॉट्स, ठीक है। और ये हीट फ्लो रेट है, ठीक है, याद रखें इसकी यूनिट वॉट में आएगी। सिमिलरली लेट से क्यू एक्स प्लस डी एक्स हीट कंडक्टेड आउट ऑफ द एलिमेंट, एलिमेंट से बाहर निकल रही है क्यू एक्स प्लस डी एक्स, ठीक है। इसमें लगाते हैं हम टेलर सीरीज एक्सपेंशन, टेलर सीरीज एक्सपेंशन सबको पता है, क्यू एक्स प्लस डी एक्स इज इक्वल्स टू क्यू एक्स प्लस डो बाई डी एक्स क्यू एक्स डी एक्स प्लस हायर ऑर्डर टर्म्स, ठीक है। हायर ऑर्डर टर्म्स आएंगे, हायर ऑर्डर टर्म्स आएंगे, उसमें ये डी एक्स का स्क्वायर होता जाएगा क्यू, ठीक है। तो डी एक्स एक छोटी क्वांटिटी है, तो इसको हम हायर ऑर्डर टर्म्स को नेग्लेक्ट कर रहे हैं अभी, ठीक है। सो क्यू एक्स प्लस डी एक्स क्या हो गया, क्यू एक्स प्लस डो बाई डो एक्स क्यू एक्स इंटू डी एक्स, इसमें लगा दी मैंने टेलर सीरीज एक्सपेंशन। और इसकी भी यूनिट जो होगी वो वाट्स में होगी, ठीक है। अब देख लेते हैं जो हीट जनरेटेड होगी, हीट जनरेटेड इन विद इन द सॉलिड बॉडी, ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लें। देखते हैं हीट जनरेटेड, हीट जनरेटेड इन इन द एलिमेंट, ठीक है। मैंने माना Q डॉट जी, ठीक है, ये क्या है, Q डॉट जी क्या है, हीट जनरेटेड पर यूनिट वॉल्यूम। मैंने माना इतने अमाउंट ऑफ हीट जनरेट हो रही है पर यूनिट वॉल्यूम विद इन द एलिमेंट। तो टोटल अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड कितनी हो जाएगी, टोटल वॉल्यूम से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। सो क्यू ए डी एक्स वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इतने वॉट्स ऑफ हीट जनरेट हो रही है, ठीक है। अब सिंपली हमारे को क्या लगाना है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सबको पता है एनर्जी इज कंजर्व्ड, तो हीट कंडक्टेड इनटू द एलिमेंट प्लस हीट जनरेटेड विद इन द एलिमेंट इज इक्वल्स टू हीट कंडक्टेड आउट ऑफ द एलिमेंट प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। सिंपली हमारा ये एलिमेंट था, ठीक है, यही तो एलिमेंट था हमारा, इसमें क्यू एक्स एंटर हो रही थी, क्यू एक्स प्लस डी एक्स आउट हो रही थी, प्लस क्यू ए डी एक्स, ठीक है, हीट जनरेट हो रही थी, प्लस जो ये हीट कंडक्ट हो रही है इनटू द एलिमेंट, मतलब क्यू एक्स जो एलिमेंट के अंदर आ रही है वो क्या कर रही है, इसकी जो इंटरनल एनर्जी है यू है इसको बढ़ा रही है, ठीक है, रेस कर रही है, इसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज कर रही है, इसको इंटरनल एनर्जी को चेंज करते हुए कुछ अमाउंट ऑफ हीट इसमें से आउट हो रही है सिस्टम में से, ठीक है। तो हमने क्या लगाया, हीट कंडक्टेड इनटू द एलिमेंट दैट इज क्यू एक्स, हीट कंडक्ट हो गई, प्लस हीट जनरेटेड विद इन द एलिमेंट जो कितनी है क्यू ए डी एक्स, क्यू डॉट ए डी एक्स, ठीक है। तो ये तो हो गया इनपुट एक तरीके से जो इस सिस्टम में अंदर ही अंदर जनरेट हो रहा है और इसमें इन हो रहा है, ठीक है। इक्वल्स टू हीट कंडक्टेड आउट ऑफ द एलिमेंट, वो हो गई क्यू एक्स प्लस डी एक्स, कितनी हीट बाहर जा रही है इस एलिमेंट से, प्लस चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। तो ये लग गया आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, इसमें बस यही खेलता है इसको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को समझने का,
सो सबसे पहले हीट कंडक्टेड इन टू द एलिमेंट इज क्यू एक्स प्लस हीट जनरेटेड विद इन द एलिमेंट इज क्यू डॉट एक्स सॉरी क्यू ए डी एक्स इक्वल्स टू हीट कंडक्टेड आउट ऑफ द एलिमेंट जो है क्यू एक्स डी प्लस डी एक्स. क्यू एक्स प्लस डी एक्स को मैंने टेलर सीरीज से खोला था तो क्या आया था डो बाय डो एक्स क्यू एक्स डी एक्स प्लस क्यू एक्स यही तो टेलर सीरीज एक्सपेंशन लगा था इसमें ठीक है प्लस चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द एलिमेंट ठीक है रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ द एलिमेंट ठीक है. अब इंटरनल एनर्जी ऑफ द एलिमेंट क्या होती है एम सी वी डेल्टा टी यही होती है आपने पढ़ा है थर्मोडायनेमिक्स में डेल्टा यू इज इक्वल्स टू एम सी वी डेल्टा टी. सॉलिड के केस में सी वी सी पी बराबर होते हैं लेट से इक्वल्स टू सी तो मैंने डायरेक्ट एम सी टी लिख दिया है ठीक है. ये सी क्या है स्पेसिफिक हीट स्पेसिफिक हीट ठीक है. तो क्यू एक्स से क्यू एक्स कट गया एल एच एस में बचा क्यू ए डी एक्स डो बाय डो एक्स क्यू एक्स डी एक्स प्लस डो बाय डो टी एम सी टी ठीक है. ये मैंने लिख लिया ठीक है. ये बचा है मेरा इसको हटा देते हैं. अब मेरे पास ये है. अब इसको ध्यान से देखो मास क्या होता है मास होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम वॉल्यूम हो गया ए डी एक्स ए डी एक्स ठीक है. इसको पुट कर देते हैं एम की जगह तो क्यू इसको क्यू जी लिखो हीट जनरेटेड क्यू जी ए डी एक्स इज इक्वल्स टू और क्यू एक्स क्या है आपकी हीट जनरेटेड क्यू एक्स को हम फोरियर लॉ से लिख देते हैं के ए डी टी बाय डी एक्स माइनस के ए डी टी बाय डी एक्स तो ये हो गया आपका डो बाय डो एक्स इंटू माइनस के ए डी टी बाय डी एक्स इंटू डी एक्स ठीक है प्लस डो बाय डो टी एम की जगह रख दो रो ए डी एक्स सी टी ठीक है. यहाँ तक कोई दिक्कत. अब इसको देखो ए डी एक्स और ए डी एक्स काट दो ठीक है. ये तो आपका फूरियर लॉ से आया था ठीक है. ए डी एक्स ए डी एक्स ए डी एक्स काट दिया कॉमन लेके सो हीट जनरेटेड क्यू जी इज इक्वल्स टू ठीक है के कांस्टेंट है के बाहर आ जाएगा इसका डबल डेरिवेटिव हो जाएगा डो डी टू टी बाय डी एक्स टू प्लस सी आपका बाहर आ जाएगा क्योंकि सी कांस्टेंट है डो बाय डो टी इंटू टी ठीक है. ये है आपका टेम्परेचर और ये है आपका टाइम तो टाइम को ऐसे टाउ लिख लो ठीक है. ये है टाइम टाइम इन सेकेंड्स टाइम इन सेकेंड्स ये है आपका टाइम टाउ टाउ और ये है टेम्परेचर टी ठीक है. नाउ ये आपने लिखी है एक्स डायरेक्शन में जो आपका हीट जनरेशन और जो भी हीट कंडक्शन हो रहा था उसके लिए ठीक है. आप दोबारा से डायग्राम एक बार ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट. सो ये आपने लिखी क्यू एक्स और क्यू एक्स प्लस डी एक्स के लिए सिमिलरली क्यू वाई प्लस डी वाई और क्यू जेड प्लस डी जेड इनके लिए सेम ऐसे ही लिखेंगे हम तो इसको फिर सम अप कर देंगे ऐड कर देंगे तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी. इसमें आपका के आ रहा होगा यस के इसके पास इक्वेशन आएगी के डी टाउ डी टू टी ओवर डी एक्स टू प्लस के डी टू टी ओवर डी वाई टू प्लस के डी टू टी ओवर डी जेड टू प्लस क्यू जी हीट जनरेटेड पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू रो सी पी डी टी बाय डी टाओ ठीक है रो सी पी डी टी बाय डी टाओ ठीक है. अब के को हटा दो के को पहुंचा दो डिनोमिनेटर में ठीक है. ये आपकी तैयार हो गई जनरल थ्री डी इक्वेशन ऑफ हीट कंडक्शन डी एक्स टू प्लस डो टू डी टू बाय डी वाई टू प्लस डी टू टी ओवर डी जेड टू प्लस क्यू जी by k is equals to rho cp by k dt dt by d tau ठीक है. अब ये जो इक्वेशन तैयार हुई है ये आपकी थ्री डायमेंशनल थ्री डायमेंशन में हीट कंडक्शन की
इक्वेशन बन गई। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये आपको जो टर्म दिख रहा है रो सी पी बाई के, रो सी पी बाई के ये होता है आपका वन अपॉन अल्फ़ा। ठीक है, इसको रिप्लेस करेंगे अब हम वन अपॉन अल्फ़ा से। अब अल्फ़ा एक नया टर्म इंट्रोड्यूस हुआ है, अल्फ़ा को डिस्क्राइब करेंगे व्हाट इज़ अल्फ़ा। ठीक है, तो इसको मैं एक दूसरे पेज पे लिख लेता हूँ। सो अभी हमने हीट जो डेराइव करी है जनरल 3D की हीट कंडक्शन की इक्वेशन, डो टू टी ओवर डी वाई टू प्लस डो टू टी ओवर डी जेड टू प्लस हीट जनरेटेड डिवाइडेड बाय के इज इक्वल्स टू रो सी पी बाई रो सी बाई के इंटू डी टी बाय डी टाउ। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन डिराइव हो गई। अब इसमें ये गौर करने की एक चीज़ है, रो सी बाई के इसको आप लिखो वन अपॉन अल्फ़ा, दैट इम्प्लाइज अल्फ़ा इक्वल्स टू के अपॉन रो सी। अल्फ़ा होती है आपकी थर्मल डिफ्यूसिविटी, थर्मल डिफ्यूसिविटी डिफ्यूसिविटी। अब ये थर्मल डिफ्यूसिविटी क्या है? सो थर्मल डिफ्यूसिविटी आपको बताती है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ हीट कैन पास थ्रू द मटेरियल, जो आपका सॉलिड बॉडी है उसमें से कितने अमाउंट ऑफ हीट पास हो सकती है। ठीक है, वो आपको बताती है थर्मल डिफ्यूसिविटी। सो थर्मल डिफ्यूसिविटी को डिफाइन अगर हम टेक्निकल मतलब डेफिनेशन बनाए, सो अल्फा इज अ थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल एंड इट इज अ रेशियो ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के टू द थर्मल हीट कैपेसिटी कह लो। ठीक है, अल्फा क्या है? के अपॉन रोसी। ठीक है, हीट कैपेसिटी एंड के हो गई आपकी थर्मल कंडक्टिविटी, इसका रेशियो है। ठीक है, और ये लिखा गया है थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी। ये है प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम, बट ये थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी है। थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो टेम्परेचर पर डिपेंड करती हैं। जो आपका के है ये भी एक थर्मोफिजिकल क्वांटिटी है, थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल है। जैसे जैसे टेम्परेचर ऑफ द बॉडी वेरी करेगा वैसे वैसे ये के और अल्फा की वैल्यू चेंज हो सकती हैं, बट एट मोस्ट ऑफ द केसेस हम मानते हैं कि के कॉन्स्टेंट है, क्योंकि जो टेम्परेचर ऑफ द बॉडी है वो टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा, मींस स्टेडी है। बट यहाँ पे आपका ये जो इक्वेशन है ये आप स्टेडी स्टेट, नॉन स्टेडी स्टेट, 3D स्टेट, क्योंकि 3D का मतलब हो गया एक्स वाई जेड, तीनों में हीट कंडक्शन हो रहा है। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो ये इसका क्या मतलब है कि ये अनस्टेडी के लिए भी है। चेंज इन टेम्परेचर को अगर मैं जीरो कर दूंगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, ये हो गया चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, ये है चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो अगर ये जीरो हो गया, दिस इफ़ दिस बिकम्स जीरो, तो ये जो इक्वेशन बनेगी ये क्या इक्वेशन बनेगी, दोबारा से लिखते हैं, डो टू टी ओवर डी एक्स टू प्लस डो टू टी ओवर डी वाई टू प्लस डो टू टी ओवर डी जेड टू प्लस क्यू जी बाई के इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, क्योंकि RHS जीरो हो रही है, तो ये जो इक्वेशन बनेगी ये स्टेडी फ्लो के लिए हो जाएगी, स्टेडी फ्लो। और इसी में अगर आपका हीट जनरेशन जीरो है, ठीक है, जो हमारी हेडिंग थी आज के टॉपिक की वो थी विद और विदाउट हीट जनरेशन। ठीक है, अब हीट जनरेशन भी जीरो है तो इसको आप जीरो कर दो। ठीक है, तो खाली दिस इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। ये 3D में भी यूज़ हो सकती है, क्योंकि ये जो टेम्परेचर है वो पोजीशन का के साथ वेरी कर रहा है, और ये 3 डायमेंशन में वेरी कर रहा है, एक्स वाई जेड तीनों में वेरी कर रहा है। अगर आपको इसको 1D के लिए यूज़ करनी है तो वाई और जेड को जीरो कर दो। तो इस तरीके से हम इस इक्वेशन को 3D 1D स्टेडी और अनस्टेडी विद और विदाउट हीट जनरेशन में यूज़ कर सकते हैं।
So this is all about the generalized heat conduction equation. Thank you for watching the video.